गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास टू में नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सेंटेंस। क्या पढ़ने वाले हैं? सेंटेंस। इसको हिंदी में वाक्य भी कहा जाता है। लेट्स लर्न सेंटेंस। सेंटेंस अब हम सीखते हैं कि सेंटेंस है क्या। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। सेंटेंस वाक शब्दों का वह समूह है जो क्या है, पूर्ण अर्थ देता है। इसको हिंदी में इसकी डेफिनेशन क्या होगी, सेंटेंस मीन्स वाक। तो वाक क्या होता है कि शब्दों का वह समूह है जो पूर्ण अर्थ देता है। इंग्लिश में कहेंगे ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। ओके, रीड द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब ये एक आपको टेबल गिवन है, इसमें आपको वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे एज सिक्स ही ईयर ओल्ड। अब इज सिक्स ही ईयर ओल्ड इनकरेक्ट लग रहा है, ठीक है। अब या ईयर्स ओल्ड ही सिक्स, वो भी आपका गलत है, रॉन्ग है। तो द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन अबव मेक नो सेंस। तो इन जो ग्रुप में वर्ड दिए गए हैं आपके, तो वो क्या कर रहे हैं, रॉन्ग सेंस दे रहे हैं, अनर्थपूर्ण सब अर्थ दे रहे हैं, मतलब उनका कोई अर्थ नहीं है। नाउ रीड द सेम ग्रुप ऑफ वर्ड्स रिटन इन अ डिफरेंट ऑर्डर। और यदि इन्हीं शब्दों को हम दूसरे ऑर्डर में लिखते हैं, जैसे ही इज सिक्स ईयर्स ओल्ड, वह छः साल का है, तो द ग्रुप वर्ड्स इज नाउ द करेक्ट ऑर्डर एंड वी कैन अंडरस्टैंड इज मीनिंग। तो शब्दों का वो समूह जो सही ऑर्डर में लिखा जाए, सही क्रम में लिखा जाए, वी कैन अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, और उसका हमको अर्थ भी पूर्ण रूपेण समझ में आए। दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। उस शब्दों के समूह को वाक कहते हैं। ए सेंटेंस ऑलवेज बिगनिंग विथ अ कैपिटल लेटर। अभी तक आप लोग क्या करते थे, फर्स्ट के बच्चे की जैसे ही हमने कुछ लिखना स्टार्ट किया, आंसर लिखना शुरू किया, स्पेलिंग लिखना शुरू की, तो आपने स्मॉल लेटर से शुरू कर दी, बट रॉन्ग। आपको ए सेंटेंस ऑलवेज बिगनिंग विथ अ कैपिटल लेटर। आपको कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करना है तो उसका फर्स्ट लेटर किस में लिखेंगे आप, कैपिटल लेटर में, एंड एंड्स विथ अ फुल स्टॉप, और एंड में क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। अब आपको क्लास सेकंड से ये चीज़ ध्यान में रखनी है, रिमेंबर रखना है, क्योंकि यदि आपका नहीं आपने सही किया तो ये क्या हो जाएगा, नंबर भी इसमें कर सकते हो, रॉन्ग भी हो सकते हैं। देखिए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। ही, अब देखिए ही को स्मॉल लेटर नहीं है, कैपिटल लेटर, ही गोज टू स्कूल, इसके बाद क्या लगा है, फुल स्टॉप लगा है। दिख रहा है ये फुल स्टॉप, ये समझ में आ रहा है, ये ब्लू कलर का फुल स्टॉप दिख रहा है, ठीक है। अब रोजेस हैव थ्रोन्स। अब रोजेस का आर कैपिटल है और देखिए थ्रोन्स में फुल स्टॉप लगा है। रिमेंबर, आपको क्या याद रखना है, वर्ड्स हैव टू बी अरेंज प्रॉपरली टू मेक सेंस। हमको शब्दों को इस प्रकार अरेंज करना चाहिए कि प्रॉपरली अरेंज करना चाहिए, उसका पूर्ण रूपेण अर्थ प्राप्त हो। देखिए, आपको ये पिक्चर दी गई है, अब यहाँ पे आपको प्रैक्टिस टाइम दी गई, देखिए लुक एट द पिक्चर, टिक द करेक्ट सेंटेंस। अब आपने देखा कि आपको कुछ सेंटेंस गिवन है, अब कौन सा सही है उसमें आपको टिक लगाना है। आउटसाइड द स्कूल, ठीक है, ये भी, और सी इज रीडिंग इन द पूल। अब इसमें करेक्ट कौन है, सी इज रीडिंग। अब सेकंड आपका दिया एन एप्पल, एन एप्पल डेली, आई एम ईटिंग एन एप्पल, तो आई एम ईटिंग एन एप्पल। ये देखिए कि आपको इसमें सब्जेक्ट भी मिलना चाहिए, वर्ब मिलना चाहिए और ऑब्जेक्ट भी मिलना चाहिए, तब वो कंप्लीट सेंस देता है। जैसे प्लेइंग इन द पार्क, ये दोनों ही क्या है, अधूरे हैं, आधे हैं, लेकिन जब ये हो जाए तो वी आर प्लेइंग इन द पार्क, तो ये कैसा है, पूर्ण अर्थ दे रहा है, ये कंप्लीट सेंटेंस है। द कैट इज रनिंग बिहाइंड द माउस, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, ठीक है, ये सेंटेंस है। लेकिन द कैट बिहाइंड द माउस, ये क्या है, आधे हैं, हाफ सेंटेंस है, ये पूर्ण अर्थ नहीं दे रहा है। रीराइट दिस सेंटेंस यूजिंग कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप। अब आपको सेंटेंस को फिर से रीराइट करना है, मतलब पुनः लिखना है, फिर से लिखना है, और आप ये देखिए कि जो आपको लास्ट में क्या करना है, फुल स्टॉप लगाना है,
और जैसे कंट्री के नाम हैं तो उसको कैपिटल कर दीजिए, फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दीजिए। देखिए अब स्मॉल है सी, इसने सी को क्या कर दिया, कैपिटल बना दिया। सी लिव्स इन मुंबई, और लास्ट में क्या लगा दिया, फुल स्टॉप। आई एम इन माई स्कूल, अब आई कैसा है, स्मॉल लेटर, आई को कैपिटल बनाया, आई एम इन माई स्कूल, फुल स्टॉप लगाया। ही इज माई कजिन, तो ही क्या हो गया, स्मॉल था तो कैपिटल बन गया, ही इज माई कजिन। द बियर इज डांसिंग, द बियर इज डांसिंग, टी कैसा था, स्मॉल था तो इसको हमने कैपिटल कर दिया, द बियर इज डांसिंग। ओके देखिए यहाँ मैंने कुछ एक्सरसाइज दी गई है, ये आप अपने से घर में करेंगे, मैं इसको समझा देती हूँ। जैसे लिखा है री राइट दी सेंटेंस यूजिंग कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप, आपको सेंटेंस को री राइट करना है, मीन्स फिर से लिखना है यूजिंग कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप, मतलब आपको कैपिटल लेटर और फुल स्टॉप का यूज करते हो। अब देखिए सी कैसा, एस कैसा है, स्मॉल लेटर है तो हम एस कैसा बना देंगे, कैपिटल बना देंगे, ठीक है। सी लीव्स इन, अब ये कैसा है आपकी मतलब सिटी का नाम कैसा है, स्मॉल लेटर है। मैंने आपको सेकंड में अभी प्रॉपर नाम कॉमन नाम पढ़ाया था, तो मुंबई क्या है आपकी, मुंबई आपका क्या है, सिटी का नाम है, ठीक है। जब सिटी का नाम है तो ये नाम है, स्पेशल नेम है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, इसीलिए मैंने प्रॉपर नाउन पहले पढ़ाया था, तो प्रॉपर नाउन है तो ये हो जाएगा कैपिटल लेटर, एम यू एम बी ए आई मुंबई, और फिर हमने लास्ट में क्या लगा दिया, फुल स्टॉप लगाया, ठीक है। अब यहाँ फुल स्टॉप नहीं लगा, लेकिन यहाँ हमारा क्या लगा है, फुल स्टॉप लगा है। इसी तरह आई क्या है, स्मॉल लेटर है, इसको हम कैपिटल बना लेते हैं, आई एम इन माई स्कूल, अब क्या लिख देंगे हम, फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। अब ही का एच कैसा है, स्मॉल लेटर है, इसको क्या बनाएंगे, कैपिटल लेटर बनाएंगे, तो ही इज माई कजन, और फुल स्टॉप लगा देंगे। आपका फोन नंबर टी कैसा है, स्मॉल लेटर है तो आप कैपिटल बनाएंगे, द बियर इज डांसिंग, और क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपको मैंने समझा दिया, अब आपको इसको अपने से करना है, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन है मेरे लिखे हुए, इसको मैं इरेज कर रही हूँ, आंसर को समझा दिया आपको मैंने, अब इसको आप अपने से करिए। और इसमें क्या करना है, आपको कैपिटल लेटर करना है और फुल स्टॉप लगाना है। ओके अंडरस्टैंड, थैंक यू।